अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त हम करने जा रहे हैं 12.6 की क्लास नंबर फोर जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एट सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन या ये आपको दिखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा बट क्वाइट इजी है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कोई खासी बात नहीं है बस दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और मेरी तबीयत थोड़ी सी आई ठीक नहीं है तो अगर मेरी वॉइस में थोड़ी सी चेंजिंग फील हो या मेरी बॉडी लैंग्वेज में या समझाने में लेजीनेस फील हो तो उसके लिए सॉरी बट मैं अपना काम कंटिन्यू करना चाहूँगा तो आप फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन को करना कैसे है सो so, जल्दी से हम पिकअप करते हैं हम अपनी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में लिखा गया है दी साइड्स ऑफ दी ट्राइंगल ट्राइंगल की थ्री साइड्स हैं बट इस दफ़ा साइड्स उस तरीके से नहीं बताई गई जिस तरह होता था ना कि हमें वैल्यूज़ मिल जाती थी डिजिट फॉर्म में तो हम अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये ग्रेटर है ये हमारी स्मॉलेस्ट है इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी क्यों क्योंकि वेरिएबल्स गिवन है या लेट्स कंटिन्यू तो हमें दी साइड्स ऑफ दी ट्राइंगल आर तीन साइड्स हैं ट्राइ की एक्स स्यर प्लस एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन एंड एक्स स्यर माइनस वन आगे क्या लिखा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 120 डिग्री यानी उसने खुद ही बता दिया कि प्रूव करो प्रूफ पता ना किसे कहते हैं जिसका आंसर पहले ही बता दिया गया हो कि जब आप इस इन तीनों साइड्स को यूज़ करेंगे सॉल्व करेंगे तो जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल निकलेगा यानी सबसे बड़ी साइड का जो एंगल निकलेगा वो क्या निकलेगा 120 डिग्री तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि आंसर हमें पहले पता है हमें जस्ट सॉल्व करके प्रूव करना है कि क्या ये सही है या ये सही नहीं है तो कोर्स प्रूव है तो सही ही होगा तो हमने करना क्या है हमने तीनों साइड्स को लेट कर लेना है खुद के तौर पे अपना अपना नेम दे देना है यानी कि पहली साइड को मैंने ए कह दिया <coughs> दूसरी साइड को मैंने बी कह दिया तीसरी साइड को मैंने सी कह दिया एंड आई होप ये बात आपको समझ आ रही हो <coughs> सॉरी सो नाओ बाई यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन ये मैंने जो बातें लिखी हैं ज़रा इनकी मैं डिस्कशन कर लूँ कि हमें फाइंड क्या करना है देखें ए आ गया एक्सकेयर प्लस एक्स प्लस वन बी आ गया टू एक्स प्लस वन सी आ गया एक्सकेयर माइनस वन तो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है या आपने गेस्ट ठीक किया होगा ए साइड क्यों क्योंकि अगर आप इसको आ, देखें ना पोलिनोमियली या पोलिनोमियली देखें तो x की पावर सबसे बड़ी किसमें है इस इक्वेशन में है यहाँ x के x का स्केयर है फिर प्लस है और फिर x है यहाँ x स्केयर तो है लेकिन फिर आगे x नहीं है और ये माइनस वन है तो अकॉर्डिंग टू दैट नोटेशन पोलिनोमियली हमारी सबसे बड़ी जो साइड है वो क्या बनती है ए इसका मतलब हमें एल्फा फाइंड करना है सो so कंटिन्यू करते हैं नाउ बाई यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला लॉ ऑफ कोसाइन क्या है अगर ए हम यानी अल्फ़ा फाइंड करना है तो तो ए ए साइड यूज़ करेंगे ए इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केर माइनस टू बी सी कोज़ एल्फ़ा तो मैंने यहाँ पे ना एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया यानी कि इनको थोड़ा सा डायरेक्ट करके ये चीज़ बना दी कैसे जर आप देखिए मतलब अगर करना भी चाहूँ चले कर लेते हैं यहाँ पे कि अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो माइनस टू बी सी कोज़ अल्फ़ा है वो उधर चला जाएगा यानी कि माइनस टू बी सी कोजअल्फ़ा इज इक्वल टू के, के उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया इस साइड पे आ गया बी स्केयर प्लस सी स्केर माइनस ए स्केयर एंड आई होप ये बात यहाँ तक समझ आ रही है मैं इस साइड पे आ जाता हूँ ताकि आपको इजीली बता पाऊँ देखें ये माइनस टू बी सी कोजल्फा इस तरफ आ गया इज इक्वल टू बी स्केर प्लस सी स्केर अपनी जगह पर और ये जो ए स्केयर इधर आगे हो गया माइनस ए स्केयर अब मुझे कोज अल्फ़ा को अलग करना है तो टू बी इधर आके इनके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड एंड आई होप कि यहाँ तक क्लियर है लेट्स कंटिन्यू अल्फा एज इट इज़ सिंपली पुट ऑल दी वैल्यूज ऑफ दीज थ्री बी की वैल्यू ये एक एक स्टेप करके करते जाइए टेंशन में ना आइए कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज बनेगी नो प्रॉब्लम हमने स्टेप वाइज करते जाना है क्वेश्चन खुद ब खुद होता चला जाना है हमें जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है लेट्स कंटिन्यू बी की वैल्यू क्या है टू एक्स प्लस वन तो बी की जगह बी की वैल्यू टू एक्स प्लस वन इसका स्केयर है तो यहाँ स्केयर प्लस सी की वैल्यू क्या है एक्स तो स्केर माइनस वन तो सी की जगह एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर है तो स्केयर माइनस ए की वैल्यू एक्सकेयर प्लस एक्स प्लस वन पूरा आ गया और इसका आ गया स्केयर मैं फिर बोल रहा हूँ ये टेंशन ना लीजिए बस वैल्यूज़ को पुट करिए और स्टेप फॉलो करते जाइए टू बी की वैल्यू सी की वैल्यू अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा बहुत बोरिंग करवा रहा हूँ स्लो स्लो करवा रहा हूँ यार कुछ स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजन होती है इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो बता रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी जिन्हें लेजी लेजी लग रहा है लेट्स कंटिन्यू जस्ट ओपन द स्केयर ऑफ दीज तो आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी तो ए प्लस बी का क्या मतलब हुआ ए का स्केयर यानी कि यहाँ पे आ गया टू एक्स का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ क्या बन रही है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी तो इसी तरह से हमने सबके साथ करना है तो ए का स्केयर क्या बनेगा फोर एक्स स्केयर प्लस बी का स्केयर क्या बनेगा वन प्लस टू ए बी क्या बनेगा टू टू द फोर एक्स फोर एक्स वन एक्स मेरी बात समझ आ गई होगी कि इस वैल्यू का आंसर ये आ गया इसका टू एक्स प्लस वन का स्केयर का इसी तरह ये वाला प्लस ये आ गया थोड़ा बड़ा करके मैंने लिख दिया फिर एक्स स्केर माइनस वन का स्केयर ठीक है तो इसको भी वैसे ही करना है हमने तो आप बेशक कॉपी पे एक स्टेप और कर लीजिएगा अगर ये समझ ना आए डायरेक्ट तो कुछ स्टूडेंट्स को ये डायरेक्ट समझ आ रहा होगा जिन्हें कन्फ्यूजन हो रही है वो एक एक स्टेप करके कर लें ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी यानी कि टू एक्स केयर माइनस वन टू एक्स स्केयर वन द टू एक्स स्केयर आई होप यहाँ तक क्लियर है माइनस अच्छा ये सुन लीजिए अब ये वही वाला फॉर्मूला है यार यानी कि ये तीन वेरिएबल्स हैं ए बी और सी आई होप याद होगा काफ़ियों को कि अगर तीन हो जाए तो क्या होता है दो का तो याद है ना ए प्लस बी का स्केयर इज टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी तीन के साथ भी वही है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए आई होप जिन्हें याद है उन्हें तो कंफर्म है जिन्हें कन्फ्यूजन है मैंने उनके लिए सिर्फ लिख दिया कि इनके अकॉर्डिंग हमने इनको अब सॉल्व करना है तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर ये थोड़ा इरेज हो गया मैं इसे नीट कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो देखें एक्स स्केयर का स्केयर ए स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर यानी वन का स्केयर वन अब प्लस टू ए बी यानी एक्स स्केयर और एक्स एक्स क्यूब प्लस टू बी सी यानी एक्स बांधा एक्स प्लस टू सी ए यानी एक्स स्केयर बांधा एक्स स्केयर यानी जिसे कन्फ्यूजन हो रही है ना यार वो ये वाला स्टेप ना पूरा इसके ऊपर अप्लाई करके देख ले यानी इसे एज ए डिस टेक करे इसको ए इसको बी और इसको सी इज़ इक्वल टू इन ए ए बी और सी की जगह पे ना ए को ए की जगह एक्स के को एक्स बी की जगह एक्स को वन सी की जगह वन को इनको पुट करके सॉल्व करके देख ले यकीन मानिए यही आएगा ठीक है जिन्हें कन्फ्यूजन हो रही है बाकी सबको आई होप समझ आ रही हो क्योंकि ये लेवल वो आ चुका है क्या अब आपको समझ आनी चाहिए लेट्स कंटिन्यू नीचे टू अपनी जगह पर सॉरी <coughs> और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमने क्या करना है इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट को वन बाई वन सो टू एक्स एक्स स्यर का जब टू एक्स को एक्स केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टू एक्स की क्यूब फिर टू एक्स को माइनस वन से करेंगे यानी इस पूरी ब्रैकेट से किया ना टू एक्स को तो टू एक्स माइनस वन द माइनस टू एक्स आई होप यहाँ तक क्लियर है ओके okay, अब वन की बारी आ गई सो एक्स स्केयर वन द्लस एक्स स्यर प्लस माइनस माइनस वन वन दन आई होप यहाँ तक क्लियर है कोई कन्फ्यूजन अगर है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए लेट्स कंटिन्यू ऊपर कुछ भी नहीं किया ऊपर कोई खास काम नहीं बस अब हमने ना ब्रैकेट को ओपन करना है देखें ये चीज़ एज इट इज़ आ गई ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ तक माइनस टू एक्स तक एज इट इज़ आ गई माइनस आगे ब्रैकेट को मैंने जस्ट ओपन किया तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर क्या है माइनस माइनस एक्स की फोर माइनस प्लस माइनस एक्स केयर माइनस प्लस माइनस वन माइनस प्लस माइनस टू एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस टू एक्स माइनस प्लस माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स केयर या आई होप ये समझ आ रही है मैं स्टेप एक एक स्टेप क्यों बता रहा हूँ यार कुछ लोगों को ना कुछ स्टूडेंट्स को मेरे जैसे कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ तो जिन्हें लेज़ी लग रहा है सॉरी बर्दाश्त कर लीजिए लेट्स कंटिन्यू ब्रैकेट वैसे की वैसे ही है बस मैंने उनके ऑर्डर को ठीक किया ऑर्डर का मतलब क्या होता है एक्स की पावर के हिसाब से इस ब्रैकेट को लिख दिया सबसे बड़ी पावर कौन सी एक्स की थ्री तो ये वैल्यू आ गई इसके बाद एक्स की पावर टू होनी चाहिए थ्री के बाद तो ये वैल्यू एक्स केयर पहले लिख दिया प्लस फिर एक्स स्यर के बाद एक्स होनी चाहिए माइनस टू एक्स लिख दिया और फिर लिख दिया माइनस वन आई होप यहाँ तक क्लियर है यानी ऊपर वाला स्टेप भी क्लियर हो गया माइनस से सिर्फ ब्रैकेट ओपन की और नीचे वाला स्टेप भी आई होप क्लियर हो गया कि जस्ट मैंने क्या किया एक्स की पावर के हिसाब से लिख दिया ऐसे ही अब ऊपर वाली जो पूरी वैल्यू है यानी कि ये वाली जो पूरी लाइन है इसको मैंने एक्स की पावर के हिसाब से लिखना है तो ज़रा ध्यान से एक एक करके समझिएगा ठीक है वन बाई वन वैल्यूज़ को लिखते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन गलती नहीं आएगी और ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो बेशक जितने मर्जी आप फास्ट हैं मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जीनियस होते हैं लाइक like होते हैं झटपट क्वेश्चन कर लेते हैं बट मेरा सजेशन यही है ऐसे स्टेप पर ना स्लो हो जाया करो ताकि कोई वैल्यू मिस ना हो जाए वरना पूरा क्वेश्चन ज़ाया हो जाएगा लेट्स कंटिन्यू देखा सबसे पहले एक्स की पावर कौन सी है तो यहाँ से शुरू हुए एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फोर ये सबसे बड़ी है तो पहले ये आएंगी एक्स की फ़ोर माइनस एक्स की फोर तो ये दोनों तो आ गई अब एक्स की पावर थ्री को ढूंढते हैं चैलेंज शुरू करते हैं और ये आ गई माइनस टू एक्स की थ्री ये लिख दिया माइनस टू एक्स की थ्री टिक क्यों करता जा रहा हूँ ये ये यूज़ होती जा रही है अच्छा अब एक्स की थ्री के बाद कौन आएगा एक्स की टू वाली वैल्यूज़ ये सबसे पहले तो प्लस फोर एक्स के माइनस टू एक्स केयर माइनस एक्स केयर माइनस टू एक्स केयर देखा गलती की गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है यहाँ तक हो गया अब एक्स वाली प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स ओके एक्स वाली भी खत्म होगी अब कौन सी सिंपल वैल्यूज प्लस वन उसके बाद फिर प्लस वन और उसके बाद माइनस वन अब एक दफ़ा क्या करें उनके लिए सजेशन है जिन्हें कन्फ्यूजन है कि काउंट कर लो क्या भी, भी कोई मिस तो नहीं होगी तो काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व तो आई होप यह पूरी की पूरी वैल्यूज है लेट्स कंटिन्यू नीचे कुछ भी नहीं चेंज किया वो एज इट इज़ वैसे का वैसा ही है अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा देखें कैसे एक्स की फोर माइनस एक्स की फोर कट आउट हो गया माइनस टू एक्स की थ्री ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो जा ही नहीं रहा अच्छा मैंने क्या देखा यहाँ पे कि फोर एक्स केयर में से टू एक्स केयर गए तो कितने बचे टू एक्स केयर टू एक्स केयर में से माइनस एक्स केयर गए तो कितने बचे वन एक्स केयर वन एक्स केयर में से माइनस टू एक्स केयर गए तो कितने बचे इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है एक आसान तरीका बताता हूँ मैं अपना तरीका क्या करो कि इस हिस्से को ना अलग करके लिख लो सिंपल ऐसे ही बस ब्रैकेट लगा के और सॉल्व कैसे करना बड़ा इजी है फोर एक्स केयर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स कैसे ये देखें ये प्लस फोर एक्स है ना इसको लिखो माइनस टू एक्स ये वैल्यू और माइनस टू एक्स दोनों मिलकर क्या हो गई माइनस फोर एक्स तो फोर एक्स माइनस फोर एक्स से कट गया तो क्या बचा माइनस एक्स आई होप ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ देखें फोर एक्स माइनस टू एक्स केयर माइनस टू एक्स केयर क्या बनते हैं माइनस फोर एक्स केयर तो माइनस फोर एक्स केयर प्लस फोर एक्स केयर कट गए तो क्या बचा माइनस एक्स केयर तो ये पूरी ब्रैकेट में से सिर्फ क्या बचेगा माइनस एक्स केयर वो अगले स्टेप में आपको समझ आ जाएगा आगे क्या हुआ फोर एक्स में से टू एक्स गए तो क्या बचे टू एक्स बचे सॉरी स्केयर नहीं डलेगा ओके फोर एक्स में से टू एक्स गए तो क्या बचे टू एक्स बचे और एक प्लस वन एक माइनस वन से कट गया तो फाइनली बचा अच्छा नीचे वही है नीचे को नहीं छेड़ा नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज़ सेम वैसे ही आ रही हैं अब ऊपर देखिए क्या हुआ ये तो कट गया क्या आएगा माइनस टू एक्स की पावर थ्री प्लस और ये पूरी ब्रैकेट में से बचा क्या माइनस एक्स केयर सो प्लस माइनस माइनस एक्स केयर यहां तक क्लियर आई होप आगे चलते हैं फोर एक्स में से टू एक्स के तो क्या बचा प्लस टू एक्स आई होप ये भी क्लियर है आखिर पर देखा क्या बचा है प्लस वन वो भी क्लियर है अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रही है सजेशन यही है वीडियो को पीछे करके दो तीन बार देख लीजिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ मिस्टेक हो गई तो आगे समझ नहीं आएगी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बेशक कह दीजिएगा लेकिन आई होप के समझ आपको आ रही होगी ईवन आप वीडियो को पीछे एक दो बार करके देख लीजिए और अपने फ्रेंड से भी हेल्प ले लीजिए अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट्स कंटिन्यू अब यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ आ रहा है लेट्स कंटिन्यू सो कोज अल्फा इस चीज़ के इक्वल आ गया अब मैंने देखा क्या मैंने ये देखा कि ये वैल्यू पूरी की पूरी ब्रैकेट और ये ऊपर की पूरी वैल्यू सेम है डिटो बस एक फ़र्क है सारों के साइंस उलट हैं यानी कि इनके साइंस से इनके साइंस ऑपोजिट हैं कैसे जरा देखिए प्लस टू एक्स की थ्री है माइनस टू एक्स की थ्री है प्लस एक्स केयर है माइनस एक्स केयर है माइनस टू एक्स है प्लस टू एक्स है माइनस वन है प्लस वन है प्लस तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँगा जी हाँ जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा या ये कह लीजिए कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो मर्जी बोल रहे वैसे बेटर वे यही है माइनस को कॉमन लेना जो असल तरीका है तो क्या होगा अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे देखें कैसे टू एक्स की थ्री ओके माइनस माइनस प्लस एक्स का स्केयर माइनस प्लस माइनस टू एक्स माइनस प्लस, प्लस माइनस वन देखें ना देखें पहले ये क्या था इस तरह लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये था माइनस टू एक्स की थ्री ठीक है मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टू एक्स की थ्री फिर माइनस माइनस प्लस एक्स केयर प्लस माइनस माइनस टू एक्स प्लस माइनस माइनस वन और नीचे वाला कुछ भी चेंज नहीं किया एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आई होप ये स्टेप समझ आ गया हो कि सिर्फ माइनस को कॉमन लेने से सबके साइन चेंज हो गए बस इतनी सी बात ठीक है।, है ओके तो क्या करेंगे उसके बाद इस पूरी ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट से कट कर देंगे जी हाँ ये डिवाइड हो रहे हैं तो कट हो जाएंगे तो बचेगा क्या सिर्फ ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा वन और नीचे क्या आ गया टू तो फाइनली माइनस ये वाला ऊपर आ गया वन और नीचे आ गया टू यानी कि फाइनली बचा माइनस वन ओवर टू और हम ये निकाल क्या रहे हैं भूलना नहीं हम कोज़ अल्फा निकाल रहे हैं या yeah. कोज़ अल्फा को लेकर चल रहे हैं कोज उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स और कोज इनवर्स माइनस वन ओवर टू तो कोज है तो इनवर्स माइनस जो है वो निगलेक्टिवल है तो वो होता है 120 ट्वेंटी डिग्री एंड आई होप कि ये अल्फा निकल जो है आपको समझ आ गया हो तो प्रूव हो गया कि हमारा जो ग्रेटेस्ट एंगल है खैर से वो कितना है 120 ट्वेंटी डिग्री और हमने प्रूव कर दिया अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को दो तीन दफ़ा कर लो आई नो टाइम लग जाएगा पाँच दस पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा में भी मे बी एक घंटा लग जाए या आई एक्सेप्टेड कितना टाइम लग सकता है मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ समझता हूँ चीज़ों को बट इट्स ओके मूवीज़ भी तो देखते हैं फ्रेंड्स के साथ टाइम भी तो गुजारते हैं तो समझ मेले आज गेम खेल रहे हैं यही एक कि इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरी तबीयत नहीं ठीक फिर भी अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जॉब पर भी गया हूँ आपको भी काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सिर्फ अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा सिर्फ आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ किया जा सकता है बस हमने थोड़ा सोचना होता है वरना वो सुल्तान मूवी का डायलॉग हमेशा याद रखना है सुल्तान को सिर्फ कौन हरा सकता है सुल्तान तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ हरा सकती है आप ख़ुद तो आपने अपने उस पोर्शन को हराना है जो आपको मेहनत नहीं करने देता और उसको और ज़्यादा पुश करना है जो कहता है कि हाँ हमने कुछ करना है तो आई होप मैं इस क्लास में आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पाया हूँ तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ अल्लाह हाफिज़ क्लास